लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है, लेकिन झारखंड में अब तक सत्ता पक्ष यानी इंडिया गठबंधन ने अपने पत्ते नहीं खोले। प्रत्याशियों के नाम की घोषणा छोड़िए, कौन कितने सीटों पर और कहां कहां चुनाव लड़ेगा ये भी साफ नहीं हो पाया। बस सूत्रों से खबरें आ रही है। 14 में से 7 सीटों पर कांग्रेस, 5 पर जेएमएम और 1-1 पर आरजेडी और लेफ्ट चुनावी मैदान में कूदेंगे। जेएमएम को दुमका, राजबहार, गिरिडीह, जमशेदपुर और पश्चिमी सिंहभूम यानी चाईबासा की सीट मिलेगी, तो वहीं कांग्रेस रांची, गोड्डा, हजारीबाग, धनबाद, खूंटी, लोहरदगा और चतरा पलामू में से एक सीट पर लड़ेगी। आरजेडी को चतरा या पलामू में से एक सीट मिलेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।